नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस वीडियो में आप भद्री रेस की फाइनल वीडियो देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस रेस में प्रथम स्थान हासिल किया है गौस खान के घोड़े ने, जो मलियाबाद से हैं। इस घोड़े पर सवारी कर रहे थे सवार गोलू, और दूसरे स्थान पर रहा जमाल प्रधान का घोड़ा इलाहाबाद से, और तीसरे स्थान पर भी घोड़ा रहा गौस खान का ही। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग हर्ष और उल्लास से भरे हुए हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, और सेल्फी का क्रेज तो आप जानते ही हैं। लोग अलग अलग पोज बना के सेल्फी खिंचाने पे उत्सुक है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, अब सवार गोलू को इनाम दिए जा रहे हैं, बधाइयां दी जा रही है। ये खुशी का पल है जो हमेशा लौट के नहीं आएगा। इस भद्री रियासत की इस रेस के खेल का पैगाम ही कुछ अलग है। जिसके माथे भी इस यहाँ पे जीत का सेहरा बजता है, पूरे साल उसका वर्चस्व बना रहता है और पूरे भारत में उसका नाम होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गोलू सवार को इनाम पे इनाम दिए जा रहे हैं और कुछ ही पलों में अब फाइनल का चक्र शुरू होने वाला है। ये वो दृश्य है जहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जहाँ मंच बनाया गया था और वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी थी, शोरगुल से भरा हुआ माहौल था और तालियों की गड़गड़ाहट बीच बीच में आपको सुनाई दे रही थी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं प्रथम का इनाम लेकर गोलू सवार अब लौट रहे हैं। आपको बता दें कि इस रेस में फील्ड की लंबाई इतनी ज़्यादा है कि कैमरे में भी पूरी फील्ड कैप्चर नहीं हो पाई। मैं आपको सिर्फ आधे ही फील्ड का खेल दिखा सकता हूँ और वही चीज़ मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यही वो फील्ड है जहाँ ये रेस आयोजित कराई जाती है। कुछ ही पलों में अब वो रेस का खेल भी शुरू होने वाला है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। यहाँ पे राजा भैया के द्वारा इस वर्ष प्रशासन की भी व्यवस्था कराई गई थी जो भीड़ को कंट्रोल कर सके। ये दर्शकों की भीड़ आप देख ही रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है जब अब घोड़े अपने लाइनअप से छूटेंगे। हरी झंडी इनको दिखा दी गई है और ये झंडी गिर गई और लोग आगे बढ़ गए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, गोलू सवार आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे भी गौस खान का ही घोड़ा आपको दिखेगा। तीसरे पे जमाल प्रधान का घोड़ा था और शुरू से ही एक अच्छी खासी लीड गोलू सवार ने तुरंत बना ली और भीड़ उनको रास्ता देती गई और वो आगे बढ़ते गए। और जैसे जैसे घोड़े आगे जाते हैं, पीछे से फिर भीड़ उनको अपने आप में समेट लेती है। अब आपको बता दें कि आधे खेल के बाद जो आपको आधे फील्ड दिख रही है, अभी इतना ही लंबी फील्ड आगे भी है जो इस पेड़ की वजह से कैप्चर नहीं हो पाई है। और वहीं उधर जाके लास्ट में लोग, ये हमेशा की कहानी है कि कुछ ना कुछ गलत करते हैं, और अगर इस चीज़ को कोई सुधार सकता है तो वो सिर्फ राजा भैया हैं। अगर वो यहाँ मौजूद रहे और ड्रोन कैमरे के सहारे उस फील्ड पे पूरी तरह से अपनी नज़र बनाए रखें और उसी के अनुरूप डिसीजन दें, तो लोगों में भी कोई असमंजस न रहेगा। और जो लोग इस खेल को बिगाड़ने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, उनको पहले ही रेस से बाहर कर दिया जाएगा। अब उधर से आपको देख रहे हैं, गोलू सवार सबसे आगे आ रहे हैं एक अच्छी खासी लीड लेके। आप देख सकते हैं काफ़ी दूरी है और काफ़ी लीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरे स्थान पे भी अभी पीछे से घोड़ा आ रहा है जमाल प्रधान का और गौस खान का। तीन घोड़े ही यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। चौथा एक और घोड़ा था जो सेमीफाइनल राउंड से लिया गया था, वो सरफराज खान का था, जिन्होंने रेस से पहले ही अपने राइडर से बात की और उन्हें लगा कि हमारा घोड़ा इसमें काम नहीं कर सकता है, तो उन्होंने फाइनल राउंड में अपने घोड़े को नहीं उतारा। ये जो अफरा तफरी आप देख रहे हैं, ये जीत के बाद की है। उम्मीद करते हैं कि रेस भले ही छोटी थी पर बहुत कुछ कह के गई। और जैसा कि आप देख रहे हैं, गोलू सवार मंच की तरफ बढ़ रहे हैं अपना इनाम पाने के लिए, और आगे की भी सेमीफाइनल राउंडों की वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस घोड़े का कैसा परफॉर्मेंस था। और मेरा फिर से एक बार यही कहना है और इस वीडियो के माध्यम से राजा भैया से अनुरोध है कि अगले वर्ष वो खुद यहाँ पे मौजूद रहे, वो अपने कीमती समय से कुछ पल यहाँ पे जरूर दें, जिससे जो असमंजस की स्थिति इस रेस में लोग पैदा कर दे रहे हैं वो यहाँ पे कभी न दिखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और आपको इस भद्री रियासत की इस रेस से क्या कुछ देखने को मिला, कैसी ये रेस आपको लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा। लाल बादशाह की परफॉर्मेंस कैसी लगी, जमाल प्रधान का घोड़ा कैसा लगा, तीसरे स्थान पे जो घोड़ा गौस खान का ही था वो कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और आगे की वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहेगी। कुछ समस्याएं थी जिनकी वजह से ये वीडियो देने में देरी हुई और वो समस्याएं बहुत सारे लोग जानते भी हैं। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।